कृषि बाजार समिति की बंदोबस्ती में घोर अनियमितता की शिकायत आदिवासी मुंडा समाज ने उपायुक्त से की है। आदिवासी मुंडा समाज के बैनर पर उपायुक्त कार्यालय आए लोगों ने कृषि उत्पादन बाजार समिति की बंदोबस्ती को रद्द करने और जांच की मांग की है। उनका कहना है कि पिछले 16 वर्षों से एक ही समूह को टेंडर दिया जा रहा है और बंदोबस्ती सिर्फ दिखावे के लिए की जा रही है। हाय 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 मांग को बाजार समिति रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, मांग को बाजार समिति रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, आगे बढ़ो धीरे धीरे, रद्द करो, रद्द करो, बाजार समिति हाय 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 हाय। न्यू लीडी मानगो बस्ती के निवासी है। आज 29 तारीख को कृषि उत्पादन बाजार समिति करंडी में बंदोबस्ती होना था और उसके तहत हुआ भी और उसके में तीन समूह ने हिस्सा लिया था। तीन समूह में आदिवासी मुंडा समाज भी अपना पेपर दिया था और समूह एक बिरसिंह डोंगो के तरफ से गया था और एक समूह था वो विशु चंद्र नाग के तरफ से। वो जो समूह था वो आपका विगत 16 साल से एक ही सदस्य बार बार बाजार में बने हुए थे। आज हम लोग डीसी साहब से गुहार लगाने आए हैं कि इसका बदलाव किया जाए, नया युवा लड़का को मौका दिया जाए और रोजगार दिया जाए, इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और ब्रेक के बाद आइए एक बार फिर से हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज के प्रथम त्रैमासिक पत्रिका विधिक संवाद का विमोचन 31 मार्च को होगा। त्रैमासिक पत्रिका विधिक संवाद का विमोचन 31 मार्च को कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति करेंगे। उक्त जानकारी संवाददाता सम्मेलन में लॉ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जितेंद्र कुमार, पत्रिका के संपादक सौरभ पाठक ने संयुक्त रूप से दी। हमारे कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज के द्वारा एक क्वार्टरली मैगजीन पब्लिश होने जा रहा है जिसका नाम विधिक संवाद है और यह जानकर आप सबको प्रसन्नता होगी कि यह हमारे कोल्हान विश्वविद्यालय का प्रथम पत्रिका है जो किसी कॉलेज के द्वारा जो है सो प्रकाशित होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी अहम भूमिका यह जो है सो विधिक पत्रिका के साथ साथ हमारे इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट्स के लिए एक स्टेप बाय स्टेप इस पत्रिका के माध्यम से सामान्य जन को तथा विद्यार्थियों को एक जानकारी दी जाएगी जिससे कि वह अपनी बिजनेस और प्रोफेशनल क्षमता को विकसित कर सके और उसमें आगे बढ़ सके। झारखंड विकास मोर्चा के सभी मंडल कमेटी को भंग कर दिया गया है। उक्त जानकारी मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में दी गई। जिला अध्यक्ष फिरोज खान ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी के निर्देशन अनुसार सभी मंडल कमेटियों को तत्काल भंग कर दिया गया है और नए मंडल प्रभारियों की घोषणा जल्द कर दी जाएगी। बैठक में बबुआ सिंह, सुनील सिंह आदि मौजूद थे। पूरे झारखंड प्रदेश में झारखंड विकास मोर्चा का सदस्यता अभियान चल रहा है जोर शोर से और साथ ही साथ जमशेदपुर महानगर कार्यकाल 6 साल पूरा हो चुका है, 6.5 साल हो गया है। उसी कड़ी में जमशेदपुर महानगर विगत दिनों प्रभारी महोदय आए थे केंद्र के, तय हुआ था कि आज पूरा 29 मंडल को भंग किया जा रहा है और 29 प्रभारियों की घोषणा की जा रही है। केंद्रीय अध्यक्ष माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी के निर्देश अनुसार सभी प्रभारी को कहा जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है 10 दिनों के अंदर आप जिस क्षेत्र के प्रभारी बने हैं वहां जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके सर्वसम्मति से चुनाव करा करके वहां के मंडल अध्यक्ष घोषणा किया जाए और 10 दिनों के बाद सब मंडल अध्यक्ष जो भी नए बनेंगे उनकी सूची हम ले आकर केंद्रीय अध्यक्ष माननीय श्री बाबूलाल मरांडी प्रभारी को देंगे। जी टाउन मैदान में चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि बिंब में विभिन्न राज्यों की संस्कृति एक मंच पर नजर आई। पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आयोजित आदि बिंब कार्यक्रम में झारखंड के अलावा असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों से आए कलाकारों ने सांस्कृतिक नृत्य पेश कर दर्शकों का दिल जीत लिया। Thank you.
क्षेत्र सांस्कृतिक एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय कलाओं का महोत्सव आदि बिंब का आयोजन जमशेदपुर में किया जा रहा है। इस महोत्सव में देशभर के लगभग 850 आदिवासी कलाकार भाग ले रहे हैं। नृत्य और संगीत की प्रस्तुति के अलावा आप महोत्सव में जनजातीय कलारूपों के ऊपर संगोष्ठी, चित्र प्रदर्शनी एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त जो दुर्लभ कलारूप है, विशेष करके जनजातीय कलारूप जो आज मतलब लुप्त प्राय हो रहे हैं, ऐसे कलारूपों के ऊपर संगोष्ठी और व्याख्यान रखा गया है। संसार का प्रत्येक जीव स्वभाव से ही आस्तिक होता है, ये कहना है जी टाउन मैदान में प्रवचन देने आए जाने माने प्रचारक स्वामी युगल शरण जी का। जी टाउन मैदान बिष्टुपुर में आयोजित आदि बिंब कार्यक्रम के तहत प्रवचन देने पहुंचे स्वामी युगल शरण जी ने कहा कि प्रत्येक जीव शाश्वत होता है और कोई भी नास्तिक नहीं हो सकता, क्योंकि संसार का हर जीव चाहता है आनंद। उन्होंने कहा कि संसार में इतना विरोधाभास है, मतभेद है, पर आनंद की प्राप्ति के प्रति सभी एकमत है, क्योंकि हम सब आनंद स्वरूप ईश्वर के ही अंग है। अंतिम, अरे आनंद तो दुख निवृत्ति का धर्म है, ये 10 मतवाद है। पहले लीजिए, क्या आनंद विषय का धर्म है? क्या मतलब? अरे सांसारिक विषय। एक रसगुल्ला लीजिए, कैसा लगा? आप बढ़िया लगा, मजा आ गया। ये स्वामी श्री युगल शरण जी के द्वारा हो रहा है और ये जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज के प्रिय वाणी का धर्म है हम लोग कर रहे हैं। और ये जो प्रोग्राम है, क्या हम लोग सुखी है? 24 अप्रैल तक आनंद भोक्ता का धर्म भी नहीं है। कहाँ से आए? ये वृंदावन का